नमस्कार, अनामिका की किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अदरक लिया है। अदरक का सेवन कब, सर्दी जुकाम बुखार खांसी में कैसे करना है ये मैं बताऊँगी। इसका सेवन करने से काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अदरक ले लिया है। अदरक के छिलके को मैं उतार लूँगी, तो ये ऑप्शनल है, छिलका बिना उतारे भी आप इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ ऊपर से इसके छिलके को उतार लूँगी। तो अदरक का सेवन अगर आपको खांसी आ रही है, आपका गला जाम है, गला बैठा है और आप अगर कर रहे हैं तो आपको 100% आराम मिलेगा। तो सबसे पहले मैं छिलके को उतार के और अदरक को धुल ली हूँ। धुलने के बाद इसे मैं पतला पतला कट कर लूँगी। ये देखिए, इसके मैं स्लाइस कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने अदरक को कट कर लिया है। अब मैं इसे खल में कोट लूँगी। तो ये खल है, अब मैं इसमें इसे डाल के कोट लूँगी। तो इसे बहुत बारीक पीसना नहीं है, केवल हमें दरदरा इसे कोटना है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि इसे बारीक पीसे ना, केवल इसे कोट लेना है, तो दरदरा इसे कोटना है। तो ये देखिए, मैंने दरदरा कोट लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत मैंने इसे बारीक नहीं किया है और बहुत इसे मोटा भी नहीं रखना है। ये देखिए, अब मैं इसे कोट ली हूँ। चलती हूँ गैस के पास। यहाँ कढ़ाई मैंने पहले से रख दिया है, कढ़ाई गर्म है। अब मैं अदरक को इसमें ऐड कर देती हूँ। तो इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय या बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है और ये कब्ज की समस्या से तुरंत आराम देता है। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ गुड़। तो गुड़ के साथ ही इसे बनाएं, चीनी इसमें ना ऐड करें। तो ये गुड़ का जो फ़ायदा है वो इम्यूनिटी पावर में भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। तो इसे पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि गुड़ अच्छे से इसे मिक्स हो जाए। अदरक के साथ गुड़ को मैं अच्छे से इसमें मिला देती हूँ। तो इसे मीडियम आंच पे ही आप पकाएं, गैस की फ्लेम मीडियम या लो रखें, हाई पे नहीं रखना है। आप इसे किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। तो इसे ये देखिए, गुड़ अच्छे से इसमें गल जा रहा है, अच्छे से ये अदरक हमारा पक रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सरसों का तेल। तो इसमें सरसों का तेल ही ऐड करना है, इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि अदरक के साथ गुड़ और सरसों का तेल ऐड करना है। तो ये जो मैं टिप्स बता रही हूँ ये बहुत पुरानी टिप्स है, कोई नई टिप्स नहीं है। तो इसे आप ज़रूर फॉलो करिएगा, आपके जो कब्ज की समस्या है, खांसी की समस्या है, उसमें बहुत आराम मिलेगा आपको। तो सरसों के तेल और गुड़ को अच्छे से अदरक में मिला लेना है और इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत सख्त हो जाएगा। तो गुड़ को इस तरह से हमें, गुड़ और अदरक को इस तरह से हमें चला लेना है, चलाते हुए इसे मिलाना है। तो ये 1-2 मिनट हम इसे पकाएंगे। 1-2 मिनट में ये अच्छा सा हलवे की तरह ये बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे अदरक का हलवा भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इसे बनाने में समय नहीं लगता है, फटाफट ये बन के तैयार हो जाता है। इसे बच्चे बड़े बूढ़े कोई भी इसे खा सकता है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बन चुका है। गैस मैंने बंद कर दिया है, अब मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊंगी ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। तो अभी मैं ये इसे चला लेती हूँ ताकि इसका जो मैंने सरसों का तेल डाला है अच्छे से इसमें मिल जाए। तो आपने देखा कि कितना फटाफट ये बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपकी कब्ज की समस्या है, बुखार है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं कढ़ाई से इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा है, ये फटाफट बन के तैयार हो गया है। मैं सारी इसमें जो तेल है, तेल को भी मैं अच्छे से कढ़ाई से निकाल लेती हूँ।
ये देखिए, इसे आप दिन में 3 से 4 बार खा सकते हैं। इसे खाने के बाद पानी आपको नहीं पीना है, तो 10 मिनट तक पानी नहीं पीना है। तो 3 से 4 बार आप इसे दिन में ज़रूर खाएं। अब मैं टिप नंबर दूसरा बताने वाली हूँ जो 100% कारगर है। तो ये हमारे इधर इसे पीपर बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम है पीपली, इसे पीपली बोलते हैं, लेकिन हमारे इधर इसे पीपर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये ब्लैक होता है, इस पर थोड़े दाने से होते हैं, दानेदार होता है। तो हमें इसे क्या करना है, अच्छे से साफ कर लेना है और इसे गर्म कर लेना है। आप कढ़ाई में या तवे पे किसी भी चीज़ में इसे गर्म कर लें। गर्म करने के बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इसे एक पाउडर बना लेना है इसका। तो आप इसमें इसे घर में भी कूट सकते हैं या मिक्सर में पीस सकते हैं। कैसे भी करके इसका एक बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। तो ये 100% आपकी खांसी कितना भी पुरानी हो उसमें 100% कारगर है। एक दिन में आपको आराम मिलेगा, ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने कल में कूटा है तो ये थोड़ा गरगरा है, मैं इसे छान लूँगी तो ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। इसमें कोई तामझाम नहीं है। पीपल को केवल लाना है, किसी भी आप किराने की दुकान से ले सकते हैं और उसे लाइए और केवल इसे गर्म करके, आप धूप में भी गर्म कर सकते हैं, अगर अच्छी धूप है धूप में भी इसे गर्म कर सकते हैं। तो ये देखिए, बारीक पाउडर मैंने छान लिया है। इस तरह से बारीक पाउडर हमें ले लेना है इसका। अब मैं इसमें शहद ऐड करूँगी यानी मिलाऊँगी। तो इसमें कोई तामझाम नहीं है, बस पेपर जो है उसका पाउडर तैयार कर लेना है और शहद आपको इसमें मिला देना है। तो इसको दिन में 6 से 7 बार इसे चाटना है यानी टंग पे रख के, और धीरे धीरे इसे निगलना है। एकाएक आप इसे ना निगल जाए, धीरे धीरे इसे निगलना ताकि ये गले तक आए धीरे धीरे। तो इसे दिन में कम से कम 6 से 7 बार आपको इसे चाटना है और पानी नहीं पीना है, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एक ही दिन में आपको खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। ये बुखार के लिए, खांसी के लिए, कफ के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।